उत्तर प्रदेश के जनपद बहराइच के जरवर विकास खंड के अंतर्गत ग्राम सभा रेवड़ा थाना जरवर रोड की मूल निवासिनी श्रीमती रिमी पत्नी चांद बाबू का मकान कच्चा बना हुआ था। वहीं अब वह अपना पक्का मकान का निर्माण करवा रही हैं, जिसमें प्राथमिक के बगल में रहने वाले गांव के ही विपक्षी दबंग रियाज गुड्डू पुत्र लल्लू निवासी उपरोक्त जो रास्ते पर अपना ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करते हैं। प्राथमिक अपना मकान निर्माण करवा रही है तो वह उसमें दरवाजा लगवाना चाहती है तो वह दबंग के द्वारा मना किया जा रहा है। वहीं रंगदारी व गाली गलौज भी देती हैं, जबकि रास्ता सार्वजनिक है और पूरे गांव के लोग आते जाते हैं। वहीं विपक्षी का कहना है कि तुम्हारा दरवाजा लगवाने से मेरी ट्रैक्टर ट्राली खड़ी नहीं हो पाएगी, जिससे प्रार्थी काफी परेशान है और स्थानीय थाना पर तहरीर दी है, फिर भी अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वहीं प्रार्थी ने मीडिया कर्मी से मदद की गुहार लगाई है। अब देखना यह है कि स्थानीय प्रशासन इस पर क्या रुख अपनाता है, एक गरीब परिवार को न्याय मिलता है या नहीं। वहीं पीड़िता रिम्मी थाने व अन्य स्थानों के चक्कर काटने के बाद उसने आज जिलाधिकारी बहराइच को प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। जी क्या समस्या है आपको? बनवा रहे हैं तो उसके कारण मेरे पड़ोसी रियाज वो नहीं बनने दे रहे हैं। वो सड़क है उस पर कह रहे हैं हम दरवाज़ा नहीं लगने देंगे। हाँ, हम ये चाहते हैं कि हम सड़क ही पे दरवाज़ा करें और ला के मेरे दरवाजे के सामने टाली खड़ा कर दिया है, बिल्कुल जस्ट मेरे घर के दरवाजे पे खड़ा कर। तो इससे पहले आपने कहीं कोई शिकायत किया था? जी जरवर रोड थाना। तो वहाँ कार्रवाई नहीं हुई? तो आप नहीं हुई थी वहाँ। तो आप जिले के DM को जो है अपनी शिकायत जो है देने आए ताकि आपका काम हो जाए? ठीक है, धन्यवाद। अखंड भारत न्यूज़ के लिए जमील अहमद की रिपोर्ट, बहराइच।